तो गाइस वीवो प्रो कबड्डी सीजन 7 का मैच नंबर 34 में देखने को मिलेगा गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच ईका अरीना अहमदाबाद में 10 अगस्त को शाम 7:30 से लाइव ऑन ट्रांसपोर्ट और हॉटस्टार। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी मैच का प्रीव्यू। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स और तमिल थलाइवास के बीच टोटल 2 मैचेस हुए हैं। एक मैच जीती है गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स और एक मैच जीती है तमिल थलाइवास, मतलब हेड टू हेड के मामले में दोनों टीमें बिल्कुल इक्वल पर है। वहीं पर अगर हम बात करें दोनों टीमों के स्टार्टिंग सेवन के बारे में, तो गुजरात की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे सचिन तनवर, राइट कवर पे सुनील कुमार, लेफ्ट कवर पे परवेश बैंसवाल, राइट इन पर मोरे जीबी, लेफ्ट इन पर रोहित गुलिया, राइट कॉर्नर पे ऋतुराज कुड़ाभी और लेफ्ट कॉर्नर पे सुमित। वहीं पर तमिल थलाइवास की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है सेंटर पे अजय ठाकुर, राइट कवर पे अजीत कुमार, लेफ्ट कवर पे मंजीत चिल्लर, राइट इन पर सब्बीर बापू सरफुद्दीन, लेफ्ट इन पर राहुल चौधरी, राइट कॉर्नर पे मंजीत चिल्लर और लेफ्ट कॉर्नर पे रन सिंह रनिया। तो ये हो सकती है इन दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन। तो गाइज अब मैं आपको इस मैच का ड्रीम सेवन बता देता हूँ जो हम लगाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन MPL पे। और आप सबको ये बात तो पता होगा ही कि कबड्डी के जितने भी मैचेस हैं उसके ड्रीम सेवन आपको सिर्फ और सिर्फ कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है। सो मेक श्योर टू चेक आउट कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, तो पहले मैं आप MPL फैंटेसी में जाना है, फिर जाना है कबड्डी के सेक्शन में मैच नंबर 34 गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स वर्सेस तमिल थलाइवास। आपको कोई सा एक पॉट सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर एक टीम क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक टीम क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने टीम क्रिएट कर लिया है, आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आप भी चाहो तो एक ऐसी टीम बना सकते हो, या फिर आपको अगर अच्छा खासा नॉलेज है कबड्डी का तो आप खुद से भी बना सकते हो। इसके बाद आपको बस पॉट ज्वाइन कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में MPL का लिंक है, जल्दी से जाकर डाउनलोड करो और आज से ही खेलना शुरू करो। तो गाइस अब हम कर लेते हैं इन दोनों टीमों को थोड़ा सा एनालाइज। तो पहले हम बात करते हैं गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के बारे में। तो गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की टीम सीजन के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही थी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि गुजरात सीजन हर साल बहुत अच्छा खेलती है और इनका विनिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है प्रो कबड्डी टीम्स में। अगर आप किसी टीम के को देखो तो गुजरात का जो विनिंग परसेंट है वो सबसे ज़्यादा है। और इस सीज़न भी ये टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही थी पहले स्टार्टिंग मैचेस में। लास्ट 2 मैचेस में आई डोंट नो इनको क्या हुआ है, पहले मुंबई के अगेंस्ट इनको आप कह सकते हो एक बड़ी हार मिली, उसके बाद पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट ये एक बहुत ही क्लोज मैच में हारे, मतलब अपने लास्ट 2 मैचेस से हार कर आ रहे हैं। टीम आप कह सकते हो जरूर थोड़ी नर्वस होगी, थोड़ी डाउन होगी। और ये मैच इनका होने वाला है इनके होम लेग अहमदाबाद में, तो यार प्रेशर आप कह सकते हो थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की टीम जानती है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। उनकी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गुजरात की टीम, उनके जो कोच है मनप्रीत सिंह, वो कैसे भी आप उनको प्लेस दे दो वो एक टीम को बहुत अच्छी टीम बना देते हैं। और मेरे हिसाब से तो गुजरात अपने होम लेग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, शायद सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करे गुजरात की टीम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड होपफुली अच्छा करे। उनकी टीम बहुत अच्छा दिख रही है, सचिन तनवर, मोरे जीबी, रोहित गुलिया, रेडर्स और डिफेंडर्स सुनील परवेश, ऋतुराज और सुमित, तो बहुत ही अच्छी टीम दिख रही है, एक कमाल की एस्टैब्लिश टीम दिख रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तमिल थलाइवास के बारे में, तो तमिल थलाइवास की बात करें तो पहले मैचेस में वो बहुत अच्छा खेले, उसके बाद यार आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो गए। नेक्स्ट 2 मैचेस में वो ओनली एक पॉइंट के कारण हार गए, उसके बाद फिर उन्होंने अपने वापसी किया और इस एक मैच को जीता अच्छे तरह से हरियाणा के अगेंस्ट। फिर उनका नेक्स्ट मैच जो था यूपी के अगेंस्ट वो हो गया टाई, मतलब अभी ठीक ठाक चल रही है तमिल थलाइवास की टीम। वो जो 2 मैचेस हारे हैं एक एक पॉइंट से, उसके कारण मतलब आप कह सकते हो पॉइंट्स टेबल में वो थोड़े पीछे ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी एवरेज परफॉर्मेंस दे रही है तमिल थलाइवास की टीम। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा खेल रही है, इनकी भी टीम कमाल की है। इनके पास टीम कमाल के रेडर्स हैं अजय ठाकुर, राहुल चौधरी और सबीर बापू लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेले थे जब राहुल उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ये बता दिया कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके साथ साथ इनके पास मंजीत चिल्लर है जो कमाल के फॉर्म में है, अजीत हैं जो मेरे हिसाब से कमाल के डिफेंडर बनेंगे
चाहिए फ्यूचर में। उसके साथ साथ मोहित चिल्लर और रन सिंह जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इनकी भी टीम कमाल की है। तो गाइस थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद फाइनली अब हम इस मैच के विनर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार गुजरात का पलड़ा जरूर थोड़ा भारी रहेगा, बिकॉज गुजरात, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि गुजरात की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और चाहे उनके सामने कोई भी टीम हो उनका पलड़ा थोड़ा हमेशा भारी रहता है। लेकिन फिर भी मैं तो इस मैच में अपनी टीम तमिल थलाइवास को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पलड़ा थोड़ा सा गुजरात का भारी होगा। तो आप भी अपना विनर प्रेडिक्ट कर सकते हो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके। वहाँ पर मैंने आपसे पूछा है कि इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी, तो जाके वोट करो और आप कॉमेंट्स में भी लिख कर बता सकते हो। और बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।